मेरा नाम है डॉक्टर नारायण राव। मैं एक राइटर हूँ, ऑथर हूँ। मेरा चार किताब कन्नड़ में प्रकट हुआ है और एक किताब हिंदी में प्रकट हुआ है। मैं एक होम्योपैथिस्ट हूँ और मैग्नेटोथेरेपिस्ट। अब हम देखेंगे हेडेक, सिर दर्द। यह बहुत सारा लोगों का है। अबाउट 20-30% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हेडेक। ओके, ये सिर दर्द को हम 15-20 दिन में शाश्वत क्यूर कर सकते हैं इलाज देकर। ओके, बहुत सारे स्कूल को जाते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स को हम देखते हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जिसको सिर दर्द है, और बहुत लोगों को आंख का कुछ आईसाइट प्रॉब्लम भी रहता है। ऐसे स्कूल स्टूडेंट को अपना सब्जेक्ट में पढ़ते हुए कॉन्सेंट्रेशन कर नहीं सकते, केंद्रीकरण कर नहीं सकते, तो इसका बहुत बहुत से रीजन है। अनेमिया या रक्तहीनता, इसका मतलब उन लोगों का हेमोग्लोबिन बहुत कम रहता है। अगर हेमोग्लोबिन 10 से कम है तो उसको रक्तहीनता या अनेमिया करके बोला जाता है। जिसको 8 से कम हेमोग्लोबिन है रहता है उनको जरूर सिर दर्द तो रहेगा ही रहेगा। छोटे लोग सिर दर्द से रोते हैं ड्यू टू अनटॉलरेंस, दे कैन नॉट टॉलरेट इट। ओके, रोते भी है थोड़े लोग। थोड़े लोगों को वॉमिटिंग सेंसेशन है रहता है, वॉमिटिंग सेंसेशन भी रहता है, उल्टी कर देते हैं। तो ये तो आराम कर देंगे हम 15-20 दिन का ट्रीटमेंट में, आपको अचरज लगेगा कि ये कैसा हो सकता है। हेडेक में 3 टाइप का हेडेक है। एक तो मैं बोला अनेमिक हेडेक, जिस बारे में अभी बात किया, जिसका हेमोग्लोबिन 14 से ज्यादा रहता है, 12 से ज्यादा रहता है, मगर भी उसको अगर सिर दर्द है तो उसको माइग्रेन हेडेक बोला जाता है। वो माइग्रेन हेडेक है। ये माइग्रेन हेडेक में उल्टी का सेंसेशन रहता है, आंख का नजर कुछ ग्लूमी रहता है, अस्पष्ट रहता है। थोड़े लोगों को सिर चक्कर भी आ सकता है। तो माइग्रेन हेडेक वी कैन क्यूर वेरी इजीली बाय दिस मैग्नेटिक बेल्ट। इसके अंदर 6 हाइपर मैग्नेट है। इसको 1 घंटा ऐसा बांध लेना सुबह, और शाम को 1 घंटा ऐसा बांध लेना पीछे से। ओके, 1-1 घंटा ये जरूर बांध लेना। कौन सा भी हेडेक रहे, एनेमिक रहे या माइग्रेन रहे, रिजल्ट तो देगा ही। अनेमिक हेडेक है तो सिलिका, नेट्रमोर, फेरम फॉस, फेरम मेट, कार्बोवेज, फॉस्फोरस,
जैसा मेडिसिन को हाइपोटेंशन में देना चाहिए देना पड़ता है, उसके साथ साथ एलोपैथी का हेमप या बी कॉम्प्लेक्स जिनमें दो बार देना पड़ता है सुबह और शाम होम्योपैथी के साथ। सिर्फ होम्योपैथी दिया तो एक क्यूर होने के लिए थोड़ा ज्यादा दिन लगता है, उसके साथ एलोपैथी का साथ में दिया तो वो जल्दी 15-20 दिन में आराम हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये तो गारंटी। मुझे कुछ झूठ बोलने का आवश्यकता नहीं है, आदत भी नहीं है, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके, आई वोंट हाइड एनीथिंग। और अगर माइग्रेन हेडेक है तो उसको बेलाडोना लेटरमोर सांगिनेरिया मेलिलोटा साल्पा ग्लो नाइन ओके इपेक एक समटाइम्स फॉर वोमिटिंग सेंसेशन एंटीमटॉड वैसा देना पड़ता है, उसका लक्षण देकर ट्रीटमेंट देना पड़ता है, वो माइग्रेन हेडेक कंप्लीट 15-20 डेज में आराम हो जाएगा। मैग्नेटिक बेल्ट प्लस होम्यो मेडिसिन एंड एलोपैथी। अभी मैक्सिलरी साइनसाइटिस बोलता है, जिसको साइनसाइटिस रहता है वो साइनसाइटिस पुराना होके होके क्या आ जाता है, हेडेक आ जाता है, उसको मैक्सिलरी साइनसाइटिस बुलाया जाता है, मगर वो भी 15 दिन से क्यूर कर सकते हैं, मगर उसको मेडिसिन अलग होता है, एनेमिक को अलग होता है, माइग्रेन को अलग मेडिसिन होता है, और साइनसाइटिस मैक्सिलरी साइनसाइटिस को मेडिसिन अलग होता है, मगर बेल्ट एक ही रहेगा, ओके। वो मैक्सिलरी साइनसाइटिस है तो अर्सेनिकम देना पड़ेगा या डलका मारा लुप्रेशिया उससे अलग अलग मेडिसिन देना पड़ेगा, तो उसको 100% वी कैन क्यूर इट, नो डाउट। आई विल चैलेंज, मैं चैलेंज करके बोलता हूँ 15-20 दिन में आराम हो जाएगा। आपको मेडिसिन चाहिए या कंसल्टेशन चाहिए हमको बताना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 934 22 55 080। और एक बार बोलता हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 934 22 55 080। नमस्कार दोस्तों, मैं मेरा